नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आज हम यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट वन और यूनिट टू को डिटेल में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमने वहां पर देखे थे जो वाइवा क्वेश्चन पूछा सकता है। आज भी हम यूनिट थर्ड में भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर लें फ्रेंड सर्किल में। इस पीडीएफ को जिससे हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। फिलहाल समझने के लिए एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे समझाते हुए आपको चलते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल वाइवा तो तैयार होगा ही होगा, साथ में थ्योरेटिकल एग्जाम में भी क्या लिखना है वो कई सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज लूप। यूनिट थर्ड से पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज लूप, तो क्या कहेंगे आप? लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। दैट मींस कोई एक स्टेटमेंट जैसे लिखा है, जैसे सपोज लिखा हुआ है प्रिंट ऑफ, ठीक है, प्रिंट ऑफ हेलो, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को हमें मुझे कई बार रिपीट करना है एग्जीक्यूशन में, तो हम क्या करेंगे इसको एक लूप में डाल देंगे। मतलब एक यहां पे हम लूप चलाएंगे, हाँ, और उस लूप के अंदर इस स्टेटमेंट को डाल देंगे। तो ये लूप क्या करता रहेगा, जैसा हम लूप देंगे जितनी बार इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूशन कराना है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लूप का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको बोले कि प्रिंटअप मुझे एक बार लिखना है, तो आप प्रिंटअप हेलो एक बार लिखने के लिए बोले तो प्रिंटअप हेलो एक बार लिखेंगे प्रिंट कर देगा हेलो। अगर हम बोले पांच बार लिखना है तो आप पांच बार प्रिंटअप प्रिंटअप हेलो लिख देंगे, पांचों बार प्रिंट करेगा। लेकिन बोले 1000 बार मुझे प्रिंटअप हेलो लिखना है, तो ये हेलो एक बार मैसेज प्रिंट करना है, तो उस केस में क्या 1000 बार आप लिखेंगे इसको प्रिंटअप हेलो अप टू 1000 टाइम? नहीं, उस केस में हम क्या यूज करते हैं लूप का। हम एक लूप बनाएंगे और उस लूप में हम इस स्टेटमेंट दे देंगे, तो क्या करेगा वो लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा और इसको प्रिंट करता रहेगा जब तक कि लूप ब्रेक नहीं होगा। जैसे लूप ब्रेक होगा इससे बाहर हो जाएगा कंडीशन स्टेटमेंट आपका। तो लूप सिंपली यही है। थर्ड सेकंड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। कौन कौन से लूप कंट्रोल होते हैं? एक होता है आपका एंट्री कंट्रोल एग्जिट स्टेटमेंट और एग्जिट कंट्रोल। एंट्री और एग्जिट दो तरह के होते हैं। अब ऐसे समझिएगा, जब हम लूप की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लूप बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लूप के। एक तो होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट और एक होता है बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट जनरली कंडीशन होता है, यहां पे कंडीशन होता है, ठीक है। अब लूप पे दो चीज होते हैं, सबसे पहला आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कोई कंडीशन होगा, इस कंडीशन के बेस में बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप किस में होता है, कर्ली ब्रेस ओपनिंग, कर्ली ब्रेस केस में हम रखते हैं कोई भी नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। तो किसी कंडीशन के बेस पे इस बॉडी ऑफ लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है वो डिपेंड करता है आपका इस कंट्रोल स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे जो दो तरीके बताया गया, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, इसका मतलब क्या है, तो जहां पे अगर कंडीशन पहले आ जाए और बॉडी ऑफ लूप उसके बाद में आए तो होता है आपका एंट्री कंट्रोल। मतलब यहाँ पे एंट्री करते टाइम कंडीशन लग गया, कंट्रोलिंग हो गया। जहां पे ऐसा हो कि पहले बॉडी ऑफ लूप पहले आ जाए मतलब और कंडीशन उसके बाद आए, तो इस केस में क्या हो रहा है, एग्जिट कंट्रोल। मतलब यहां पे जो कंट्रोलिंग है वो एग्जिट करते टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके से हो सकते हैं, एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल। कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। देखिए जो व्हाइल लूप होता है वो कैसे हम लिखते हैं, व्हाइल लूप ऐसे लिखते हैं, व्हाइल कंडीशन और यहां पे बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, नंबर्स ऑफ लाइन। दूसरा होता है डू व्हाइल ऐसे लिखते हैं, डू बॉडी ऑफ लूप बन गया यहां पे और यहां पे हम देंगे कंडीशन, ठीक है, कंडीशन हो जाएगा यहां पे व्हाइल, यहां पे भी व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल कंडीशन। तीसरा टाइप कौन सा, फॉर लूप। फॉर लूप कैसे लिखते हैं, फॉर
और यहाँ पे हम इसका बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, इस फार के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो काम कैसे करता है देखिए, जैसे यहाँ पे वाइल है, पहले कंडीशन आ गया तो हो गया एंट्री कंट्रोल। यहाँ पे देखिए पहले फार में कंडीशन आ रहा था एंट्री कंट्रोल, यहाँ पे अगर बीच में देखे कंडीशन कहाँ है बाद में है, ये होता है एग्जिट कंट्रोल। काम कैसे करता है, काम भी यही समझ लीजिए, व्हाइल कंडीशन मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक इस बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इससे बाहर। डू व्हाइल में क्या होगा, पहले फर्स्ट टाइम एक बार इस बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट कर लेगा, इसके बाद कंडीशन पे आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसको रिपीट करता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इससे बाहर। और फार में क्या होता है, फार में भी सिमिलर होता है, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ट्रू है कंडीशन, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा इससे बाहर, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्किंग है। जो पांचवा क्वेश्चन था वर्किंग ऑफ फॉर लूप, यहाँ पे हम वर्किंग ऑफ फॉर लूप आपको समझा दिए, ठीक है, कैसे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर लूप को हम थोड़ा सा और डिटेल समझा दें क्योंकि इसको अलग से क्वेश्चन दिया गया है। तो फॉर लूप जनरली ऐसे लिखते हैं, फॉर यहाँ पे होता है इनिशियलाइजेशन, INIT हमने लिख दिया, सेमी कॉलन कंडीशन, सेमी कॉलन यहाँ पे होता है अपडेशन, ठीक है, और यहाँ पे होता है बॉडी ऑफ लूप। तो इसको जो कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। तो फॉर लूप कैसे काम करता है देखिए, स्टार्ट करेगा इनिशियलाइजेशन से, इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंडीशन पे आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इस बॉडी ऑफ लूप पे आएगा, बॉडी ऑफ लूप काम करने के बाद इस अपडेशन पे आएगा, अपडेशन के बाद फिर कंडीशन पे आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर बॉडी ऑफ लूप, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन, फिर बॉडी ऑफ लूप, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन, ये चलता रहेगा लूप की तरह, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा इस लूप से बाहर, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका फॉर लूप। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट फ्रॉम लूप, किसी भी लूप से, जैसे लूप है यहां पे, जैसे हमने फॉर लूप अभी आपको बताया, तो अगर किसी पिन पॉइंट पे आपको लूप को फोर्सली ब्रेक करना हो बाहर निकलने के लिए, तो हम यूज करते हैं कौन सा, ब्रेक स्टेटमेंट। इसके अंदर हम ब्रेक अगर लिख देते हैं बॉडी में, तो जैसे ही ब्रेक पे आपका कंपाइलर पहुंचेगा तुरंत आगे फिर से कंडीशन या अपडेशन नहीं चेक करेगा, इस लूप से हो जाएगा बाहर। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है लूप को टर्मिनेट करने के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लूप, फॉर लूप एंड ए व्हाइल लूप। तो फॉर लूप व्हाइल लूप हमने आपको डिफरेंशिएट यहां समझा दिया, समझ में आ गया होगा आपको सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिकर्सन, व्हाट इज फंक्शन। दो चीज है यहाँ पे, व्हाट इज रिकर्सन और फंक्शन, दोनों को एक साथ समझिए। फंक्शन जो होते हैं, एक तो होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे आपने यूज किया प्रोग्राम में प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, सीएलआर, एससीआर, गेट सीएच, आपने बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया, आपने यूज किया होगा एसक्यूआरटी, ये सब क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। ये कहीं ना कहीं हेडर फाइल में इसका डिफिनेशन दिया रहता है, हम केवल यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आप खुद से कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने बना लिया सम नाम का फंक्शन। अब इस सम नाम का फंक्शन क्या हो जाए, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो किसी भी प्रोग्राम को हम खुद से भी फंक्शन बना के छोटे छोटे पार्ट में सब फंक्शन में डिवाइड करके प्रोग्राम बना सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं फंक्शन। तो ए लार्ज फंक्शन इज ए सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर सब प्रोग्राम्स, ईच सब प्रोग्राम स्पेसिफाइड वन और मोर एक्शन टू परफॉर्म द लार्जर प्रोग्राम, ईच सब प्रोग्राम इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो किसी बड़े प्रोग्राम का जनरली फंक्शन यूज बड़े प्रोग्रामिंग में होता है, जब बड़ा प्रोग्रामिंग कोई करते हैं तो उसको हम कई छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, सब डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में, और एक एक पार्ट, एक एक मॉड्यूल, उसको क्या होता है, उसका फंक्शन होता है। तो जनरली जब कोई फंक्शन हम बनाते हैं, जैसे हमने फंक्शन बनाया सम नाम का, तो इसके मुझे तीन काम करना पड़ता है। एक तो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन डिफिनीशन, थर्ड होता है फंक्शन
कॉलिंग, समझ रहे हैं ना। ये हमेशा होता है यूजर डिफाइंड। जब कोई आप खुद से फंक्शन बनाएंगे तो आपको प्रोग्राम में तीन चीज करना पड़ेगा, उसके लिए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉलिंग मतलब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से रिकर्सन समझना क्या होगा। रिकर्सन भी अगर कोई फंक्शन, जैसे हमने सपोज करो कि सम को हमने यूज किया, हमने सम को डिफिनेशन दिया, यहाँ पे सम के अंदर हमने कोई प्रोग्राम लिखा यहाँ पे, और इसकी के अंदर फिर से हमने सम को कॉल कर लिया, ठीक है। तो जब कभी किसी फंक्शन की बॉडी में, मतलब फंक्शन की बॉडी जो है उसके अंदर सेम फंक्शन की कॉलिंग आ जाए, तो उस टाइम हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिकर्सन। मतलब जहां पे कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शन दोनों सेम आ जाए, या अपने आप को ही डायरेक्टली कॉल कर ले, उस केस में क्या कहते हैं उसको, रिकर्सन। बाकी इसको डिटेल लेक्चर, आपका फंक्शन और रिकर्सन आप हमारे थ्योरी के लेक्चर में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे केवल वाइवा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए छोटे में चल रहे हैं, शॉर्ट में आप क्वेश्चन आंसर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इज ए आर्गुमेंट। अब देखिए यहाँ पे आर्गुमेंट आपको मैं एक फंक्शन समझाता हूं। सपोज कीजिए कि हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, दो नंबर के स्वैपिंग का पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर आपको पूरी समझ में आ जाएगा। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एज, ठीक है। एक हम फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं, वायर्ड स्वैप नाम का इंटीजर ए कामा इंटीजर बी, ठीक है। और अब हमारे हैं मेन में, वायर्ड मेन, ठीक है। यहां हमने ले लिया इंटीजर एक्स वाई, ठीक है। प्रिंट ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड y, स्कैन ऑफ परसेंडी एंड x एंड y, ठीक है। हम यहां पे कॉल कर रहे हैं स्वैप x y, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर लिया यहां पे। अब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जो स्वैप हमने फंक्शन बनाया था, वायर्ड स्वैप इंटीजर ए इंटीजर बी, इसकी डिफिनेशन हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टेम्प नाम का, टेम्पोरी वेरिएबल, टेम्प इक्वल टू ए, ए इक्वल टू बी, एंड बी इक्वल टू बी में वैसे वैल्यू डाल देंगे हम टेम्प की, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कर रहे हैं हम किसको, प्रिंट ऑफ एक्स इक्वल टू परसेंट डी कामा वाई इक्वल टू परसेंट डी कामा ए बी, ठीक है। ये स्वैपिंग हो गया। स्वैपिंग का प्रोग्राम है सिंपली कि दो नंबर हमने इनपुट लिया ए और बी, जो हमने इनपुट नंबर लिया एक्स और वाई के पास इनपुट लिया, एक्स और वाई के पास सपोज हमने 10 ले लिया, वाई इक्वल टू 20 ले लिया, ठीक है। तो फंक्शन का समझ भी लेना है आप कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग इस मेन के अंदर यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। और ये है आपका जो डिफाइन किया हुआ है फंक्शन डिफिनीशन, यहाँ पे ये डिफिनीशन है, एक कॉलिंग है, और ये वाइलेट क्या है आपका डिक्लेरेशन है। तो यहाँ कई चीज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट लिया मेन के अंदर एक्स और वाई के पास लिया, 10 और 20 ले लिया, अब यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20 किसके पास जाएगी, स्वैप फंक्शन के पास जाएगी। एक्स की वैल्यू कॉपी हो जाएगी कहाँ पे, इस स्वैप फंक्शन में ए के पास, मतलब ए के पास आ जाएगी 20, वाई की वैल्यू आ जाएगी बी के पास आ जाएगी 20, यहाँ पे 20 आ जाएगी बी के पास, ठीक है। अब इसके अंदर आया तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया टेम्प,
एक वैल्यू टेम्प के पास दे दिया मतलब टेम्प की वैल्यू हो गई 10, ए के पास बी की वैल्यू दे दिया मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गई 20, टेम्प के पास कितनी वैल्यू हो गई 10, इसके बाद हो गई 20, और बी के पास हमने कौन सी वैल्यू लिया टेम्प की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए ए के पास 20 आ गया, बी के पास 10 आ गया, अब इसी को हम प्रिंट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे एक्स के पास, बी की वैल्यू प्रिंट कर दिया यहाँ पे वाई के पास, तो आपका स्वैप करके आ गया, एक्स के पास आ जाएगा 20 और बी के पास क्या हो जाएगा 10, तो स्वैपिंग हो जाएगा। तो यहां से समझिए क्या हो रहा है, आर्गुमेंट किसको कहते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ए बी ये सब क्या है, ये आर्गुमेंट है, जो यहाँ पे इंटीजर इंटीजर भी हमने लिया, इसी को हम क्या कहते हैं आर्गुमेंट। व्हाट आर द बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जैसे प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, ये क्या है, ये बिल्ट अप फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल आर्गुमेंट एंड एक्चुअल आर्गुमेंट, ध्यान दीजिए जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन और डिफिनेशन यूज करते हैं ये होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, जो फंक्शन कॉलिंग में यूज करते हैं यहाँ पे ये होता है एक्चुअल आर्गुमेंट, मतलब यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू इसी के पास थी ना, तो एक्चुअल वैल्यू है इसके एक्स वाई के पास थी, इसको हो गया एक्चुअल वैल्यू, जो रिप्लिका वैल्यू गया कॉपी वैल्यू जिसके पास गया उसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू हैव मोर देन वन मेन फंक्शन इन सी प्रोग्राम, नहीं, किसी भी सी प्रोग्राम में केवल एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, मोर देन वन मोर मेन फंक्शन नहीं हो सकता। व्हाट आर द टाइप ऑफ फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे हमने अपने देखिए एक स्वैप नाम का फंक्शन खुद से बना लिया, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ है तो आपका बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन की एग्जाम्पल से प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ सेल आर एस सी आर स्ट्रिंग ये सब क्या है, ये सब आपके प्रीडिफाइंड फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइपिंग डिक्लेरेशन, ध्यान दीजिए कि फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने को हम क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग, कैसे डिक्लेयर करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे वायर्ड होगा एक, वायर्ड मतलब बताता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम होगा यहाँ पे आर्गुमेंट वन आर्गुमेंट टू इस फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे लिखा होगा, रिटर्न टाइप होगा, फाइल नेम फंक्शन नेम होगा एंड पैरामीटर लिस्ट, और टर्मिनेटिंग सेमी कॉलन, यहाँ पे एक सेमी कॉलन भी होता है टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ध्यान दीजिए अभी हमने यहाँ पे जो अभी एग्जाम्पल देखा यहाँ पे एग्जाम्पल था कॉल बाय वैल्यू का, क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स वाई जो वैल्यू था वो पास करके कॉल किया, अगर यहाँ पे हम ऐसे पास करते एड्रेस आप इस तरह से लिखते हम स्वैप एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, तो ये कंसेप्ट किसका होता है, कॉल बाय रेफरेंस का, कॉल बाय रेफरेंस में हम हमेशा एड्रेस पास करते हैं एक्चुअल वैल्यू पास नहीं करते, तो इससे इससे एक डिफरेंस जो होता है कॉल वैल्यू वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में, एक तो एड्रेस का पासिंग होगा प्लस जो कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू को ही अपडेट करता है, और यहाँ पे जो कॉल बाय वैल्यू में हम कॉल करते हैं जैसे अभी इस एग्जांपल जो किए थे वहां पे फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करता है, देखिए यहाँ पे जो चेंजिंग किया था फॉर्मल आर्गुमेंट में किया था, अगर हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते तो इस एक्स वाई में एक्चुअल में ही चेंजिंग कर देता, ठीक है। हाउ टू पास एन अरे इन फंक्शन, अरे कैन बी पास बाय लाइब्रेरी बाय सेंडिंग इट एड्रेस, एड्रेस के साथ हम पास कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट आर द ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल मैंने सबसे पहले बताया था आपका, जो भी जैसे फंक्शन यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, इसमें भी देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने इंटीजर टेम्प लिया इस फंक्शन के डिफिनेशन में लिया इसकी बॉडी में यहाँ पे, इसलिए एक लोकल वेरिएबल है, अगर कोई वेरिएबल यहाँ पे हम इस मेन से पहले ये जो वायर्ड मेन था इससे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर एक्स वाई कुछ भी, तो ये एज ए ग्लोबल की तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए ये भी लोकल है और जितने भी वेरिएबल यहाँ पे लोकल है, अगर वायर्ड से पहले ही हम मेन मेथड में आने से पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं यूनिट फोर में, यूनिट फोर के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन को हम देखते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए, वीडियो लेक्चर पीपीएस का देखने के लिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी का वाइवा अच्छा जाना चाहिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।